क्या देख लिया? ओ नो 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 ओके 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 बच गया। ओ भाई, तो कैसे हो फ्रेंड्स? अच्छे तो हो ना? अगर नहीं हो तो आई विश आप लोग जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। तो आज मैं 1v1 करने वाला हूँ पेनीवाइज की डुप्लीकेट कॉपी के साथ, यानी कि डेथ पार खेलने वाला हूँ और उसका फर्स्ट पार्ट। और मैं इस गेम के बारे में कुछ शॉर्ट में कहना चाहूँ तो यही बोलूँगा कि वो सीन रहता है ना कम बजट में बड़े वाले मजे, तो वैसा ही सीन इस गेम के साथ है। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन गेम जो जोकर है ना, इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आई मीन स्टोरी है, जो कि मैं इस पार्ट में नहीं बट अगले वाले पार्ट में, यानी कि पार्ट टू में बताऊँगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून फॉर पार्ट टू ऑल्सो। तो स्टार्ट करते हैं न्यू गेम के साथ। डिफ़िकल्टी नॉर्मल सिलेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट वीडियो है इस गेम की, तो इजी मोड से भी कर सकते थे बट इजी मोड में वो वाली किक नहीं मिलती जो हॉरर गेम में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हार्ड मोड का भी वीडियो मैं डालूँ तो सिंपली कमेंट कर देना, मैं हार्ड मोड का भी वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ओके स्टार्ट। ओके सो स्टार्ट हो गई है गेम। देखते हैं क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट तो मुझे नहीं लगता कि कर पाएंगे बट ट्राई 100% करेंगे। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कंप्लीट पूरा करने की बिना मरे इस जोकर के हाथ। ठीक है, तो फटाफट से पहले तो कॉइन कलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि कॉइन तो देख सकते हो हमारे पास 4942 कॉइन हो चुके हैं, 4942 वही बात हुई ना। तो फटाफट से इस टेबल में भी कुछ नहीं है, पर उससे पहले तो छिप जाते हैं ताकि वो जोकर अंदर आ सके एंड देन बाहर जाके फिर जाकर हमारी गेम स्टार्ट होगी। अदरवाइज तो वो यूं ही डोर को जोर जोर से नॉक करता रहेगा एंड हम रूम में ही ऐसे घूमते रहेंगे। ओपी 19वीं सदी के जूते पहन रखे उसने। ओ भाई, ज़्यादा मजाक नहीं है उसकी, क्या बता सीरियस हो जाए और फर्स्ट अटेम्प्ट का पूरा ड्रीम तबाह कर दे। ड्रीम तो नहीं बट, तो देखा पहले की नहीं थी, हमने पहले ओपन किया था पहले की नहीं थी बट जैसे ही हमने ये वाला सीन पूरा किया हाइड होने का, तब अचानक से की आ गई जैसे ही हम बाहर आए, तो यही वाला सीन है। ओके सो डोर ओपन कर देते हैं, सामने हमारे डेथ पार्क। सो ये वाला सीन है ना कि डोर को ओपन किया एंड सामने ही अचानक से डेथ पार्क के सामने हम आ गए, तो यही बात है जो कि मैं पार्ट टू में बताने वाला हूँ। नॉर्मली बात है, अगर घर का दरवाज़ा ओपन करेंगे तो घर के ही किसी कोने में या फिर घर के ही किसी जगह पे हम आएंगे ना, बट इस वाले सीन में ऐसा नहीं है। हमें जैसा ही डोर ओपन किया डेथ पार्क सामने हमें दिखा, तो वैसा इस जो सीन है ना मैं पार्ट टू में बताने वाला हूँ। सो पार्ट टू के लिए भी वेट करना फ्रेंड्स, ठीक है, अपने भाई के लिए फ्रेंड्स के लिए। ओके ट्रेन के टिकट ले लिया, देख रहे हो हूबहू पेनीवाइज की तरह ही है ना, इसलिए मैंने बोला कि पेनीवाइज की डुप्लीकेट कॉपी। बट वो जो मूवी थी वो भाई पार्ट दो पार्ट बनाने का एक ही रीज़न है कि वेट पहले ये वाला टास्क कंप्लीट कर देता हूँ देन आपको बताता हूँ कि क्या रीज़न है और क्या नहीं। ओके ओपी सो ट्रेन ने उसका काम कर दिया और हम जाकर अब हमारा काम कर वो वहीं पर है, क्या देख लिया? ओ नो 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 ओके 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 बच गया। ओ भाई बार बार बचा।
अदरवाइज वहां पे हमारा कांड हो जाता। ओ भाई वो बहुत ही बदतमीज है। हमने अभी फर्स्ट टास्क भी कंप्लीट नहीं किया, एक भी आइटम हमारी इन्वेंटरी में नहीं है, और वो पहले ही से ही हमला करने को आ गया। ओ भाई चलो कोई बात नहीं। ओ नो 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 नो, चलो उसके आए उन्हें से पहले कलेक्ट कर देते हैं। अरे आ जा। ओके आ गई है। नो नो ये वाला रास्ता नहीं है, ये वाला है। ओके सो मैं कहा था, हाँ दो पार्ट। ओ नो 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 नो, कहाँ से आ रहा है? ओ नो 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 नो, ओ भाई भाई भाई, भाई। ए यार गुस्से से भर रखा है क्या? क्या स्टार्टिंग में हमने उसकी मजा की थी इसलिए गुस्सा है क्या हमारे पर? ओ भाई चलो यहाँ से ही कल्टी आई मीन यहाँ से ही निकल जाते हैं। क्या आ रहा है वो? हार्ट बीट तो बीट हो रही है बट दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, हम ये वाला टास्क कंप्लीट कर देते उसके आने से पहले, ये बोतल वाला। ओके बोतल भी कलेक्ट कर दिया। अब सिंपली हॉर्स वाली राइट की तरफ जाकर एक हॉर्स रहेगा जो कि ये रहा खून से लथपथ। सिंपली इस बोतल से साफ करना रहेगा और कोड को क्लेम करना, आई मीन हाँ वो ही बोल सकते हैं ना, क्लेम करना रहेगा। ओके मैं चाहता तो इस पार्ट को स्किप कर सकता था बट क्या रहता है ना कि इस वाले पार्ट को मैं हर बारी स्किप करता हूँ ना तो वो यहीं कहीं रहता है और जैसा ही मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ वो कान करके चला जाता है। सो मैं जब भी खेलता हूँ ना मैं इस पार्ट को स्किप करता ही नहीं हूँ, क्या पता वो कहीं से आ जाए और कांड करके चला जाए। डोर भी ओपन हो चुका है, फटाफट से एडमिनिस्ट्रेशन में चलते हैं। ये वाला एक एडमिनिस्ट्रेशन एंड लेब्रिंथ, ये जो दो लेवल है ना बहुत ही डेंजर है, बहुत ही डेंजर मतलब बहुत ही हार्ड है। चाहे आप नो 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 क्या इसने देख लिया? देख कैसे रहा है? तो हाँ मैं कहा था, हाँ पार्ट दो बनाने वाला सीन, तो पार्ट दो बनाने वाला ये सीन है कि मेरे पास उतने अभी फिलहाल के लिए इक्विपमेंट नहीं है। अगर मैं पूरा वीडियो बना भी दूँ तो भी बहुत ही लगे लगे सा वीडियो बनेगा और अच्छी क्वालिटी भी नहीं मैं आपको दे पाऊँगा। सो इसकी वजह से मैंने दो पार्ट करने की सोची। फर्स्ट पार्ट में टोटली हम आइटम को इक्विप आई मीन आइटम को अपनी इन्वेंट्री में स्टोर करेंगे एंड दूसरे पार्ट में नॉर्मली सब टास्क ही फिल करने हैं। कुछ हार्ड हार्ड बात नहीं है दूसरे पार्ट में, जो भी रहने वाला है वो पार्ट वन में रहने वाला है और जो भी इस गेम का मेन सीन है ना वो पार्ट टू में है और उसके लास्ट सीन में जब हम सर्कस में एंटर हो गए। ठीक है तो स्टे ट्यून। ओके सो वापस आ जाते हैं गेम की तरफ। ओके फिलहाल तो नहीं दिख रहा। आई होप ओ भाई सामने से ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से जाके वो जो चाबी सेकंड फ्लोर की, ओके नहीं है, चलो यहाँ से चले जाते हैं एंड सेकंड फ्लोर की चाबी एंड यहाँ से स्लाइड ले लेते हैं। ओके वो नहीं आ रहा है। ओके सो लेबरिंथ में भी पहुँच चुके हैं और वो भी बिना किसी डेथ के साथ, और वो भी डेथ पार्क में। ओ भाई क्या लाइन बन गई यहाँ, डेथ पार्क में किसी डेथ के बावजूद हम लेबरिंथ में पहुंच चुके हैं। ओपी ओपी ओ भाई, लेकिन ये तूफान के आने वाली शांति है, तूफान के आने से पहले की, सॉरी। ओ भाई भागम भाग स्टार्ट हो चुके हैं, ये
ये वाला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फनी भी लगता है, क्योंकि क्या रहता है ना कि कुछ कुछ बारी कांड हो जाए, क्योंकि इस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा कांड होने के चांसेस बहुत ही रहते हैं लिटरली। देखते हैं कि ओके वो अब यहाँ पर तो नहीं आने वाला है, यहाँ पर तो हम सेफ है। लेकिन एक बारी ध्यान से इस कमरे को देखो, मैं सेल है या कोई कमरा पता नहीं लग रहा, बट जो भी है ओके। अट्रैक्शन रिक्वायरमेंट नॉट हायर, ओके ओके। मर्डर इज द लास्ट चांस, सो बेसिकली ये एक कोड है जो कि आगे चल के हमें रूम फाइंड करने के लिए, आई मीन डोर फाइंड करने के लिए यूजफुल रहेगा। तो ठीक है, गिफ्ट इज देयर, ओके। ओ अच्छा है कि हमें टायर नहीं लगा, अदरवाइज वैसा सीन रहता तो 100% हमारी हेल्थ तो कम तो होती है, गालियाँ भी पड़ती इसको। एक्सिट इज बिहाइंड, ओके, बट डू नॉट टर्न बैक, वो वाला सीन लिखना भूल गया, चलो कोई बात नहीं। अरे घूम जा इस साइड जल्दी से जल्दी, ओके। स्क्रू बार एंड दूसरी स्लाइड है ना, ओके दूसरी स्लाइड। सो बेसिकली 5 स्लाइड रहने वाली है, और 2 स्लाइड तो हमने क्लेम कर दी, 2 ही स्लाइड है ना, ओके 2 ही है फिलहाल के लिए, 2 ही है, ओके। दिस इज द वे आउट, ओके, दिस इज द वे आउट, देन गिव अप डिफीट, देन क्लोज टू डेथ तो नहीं था, बट मर्डर इज द लास्ट चांस था, तो मर्डर तो नहीं हो सकता, और बेसिकली नहीं हो सकता क्योंकि मर्डर से तो आए सो बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम वहीं से वापस तो नहीं जा सकते। डिफीट यूज हो गया, डेथ यूज हो गया, एंड बाकी है एक तो सेलिब्रेशन, अटेम्प्ट एंड रिबर्थ, रिबर्थ में से चलते हैं, और लास्ट है लास्ट चांस, सो मर्डर इज द लास्ट चांस, जैसा कि कहा था ये रहा ना, ओके। ओह भाई, सो लैबरिंथ में भी 100% काम पूरा हो चुका है। ओ भाई, सो ये वाला सीन पता नहीं चलता ना कि वो कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं। ये वाला लॉक है, ये वाला हमें अंदर से खुलना पड़ेगा, बाहर से लॉक रहता है ये वाला। कहाँ से आ रहा है, उसने कोई डोर तो ओपन किया, आवाज तो आया है इसका, ओके ओके ओके। हार्ट बीट तो जोर जोर से बीट तो कर रही है, इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं है, और मैं जाकर मरना नहीं चाहता, इसकी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ उसका, क्योंकि क्या पता। ओके ओके ओके, बुरा, सिंपली हम लाइब्रेरी में जा सकते हैं उसके पहले कि वो आ जाए, ओके ओके, वो भी अब वहाँ पर है। कुछ घबराने की बात नहीं है क्योंकि वो वहाँ पर है, ओके। टॉर्च क्लेम कर देते हैं, इसको स्क्रू ड्राइवर से वेंट को ओपन करते हैं, चलते हैं दूसरी साइड की ओर जहाँ से हमें फूड स्टॉल की एंड अंडरग्राउंड में से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। अगर मैं कहूँ तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चेन, स्लाइड एंड क्रोबार, ठीक है, ओके। ओ भाई, बेटर रहेगा कि मैं अंदर ही रहूं क्योंकि वो बाहर ही है, क्योंकि क्या रहता है ना कि हर बारी मैं यहाँ पर आता हूँ और जैसा ही मैं फूड स्टॉल की को क्लेम करता हूँ ना, तभी वो पीछे से आकर कांड करके चला जाता है, और वहीं पर वन हेल्थ यूं ही वेस्ट हो जाती है। सो इसके वजह से कि सॉरी, चलो कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, ओके। सो फटाफट से पहले राइट साइड से जाकर पहले तो वाल्व ले आते हैं, ताकि वो जो लीकेज गैस रहता है ना, पाइप, गैस पाइप जो लीकेज रहती है ये वाली, इसको बंद करके हम वहाँ से या क्रो बार को ला सकें, ठीक है, ओके ओके। सो वो भी
वहाँ पर चलते नहीं आ रहा। ओके चेन भी क्लेम कर दी एंड फ्लाइट भी क्लेम कर दी। ओके 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 फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो ऊपर जाकर छिप जाते हैं। जल्दी 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 ओके अब वो बाहर जाएगा, हम फिर से नीचे जाएंगे ताकि थोड़ा बहुत इजी रह जाए ना इसकी वजह से, क्योंकि ओ भाई 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 डॉक्टर क्रो की तरह क्या पता वेंट से आ जाए। डॉक्टर क्रो तो भाई भाई वो तो वेंट से भी आ जाता है नन की तरह, वो नन का सीन रहता है ना बिल्कुल वैसे ही। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर जाके वाल को फिट कर देते हैं एंड टर्न भी कर देते हैं ताकि वो बंद हो जाए जो लीकेज हो रहा है ना गैस जो भी हो वो लीकेज हो जाए बंद हो जाए मैं भी बोला वो लीकेज हो जाए। चलो कोई बात नहीं। ओ भाई अरे इत्थे मामू चलो ओके 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 फटाफट से वेंट से ही चलते हैं। नहीं नो 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 वेंट से क्या रहता है ना कि उसको पता चल जाता है कि हम इस रूम से वेंट की जरिए हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं और वो लाइब्रेरी में ही दौड़ कर आ जाता है तो वो वाला सीन रहता है। तो हम यहाँ से ही जाएंगे और सिंपली अब एक क्या रही ओके नो ये ओके कहाँ पर है ओके यहाँ पर नहीं है। नो 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 वो भाई मुझे लगा कि वो पीछे है क्या वो भाई ये वाला जो सीन रहता है देखो 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 इसकी हरकतें देखो ये बहुत ही चालाक है। जितनी भी हॉरर गेम है ना उसमें से सबसे बेस्ट कम एमबी वाली। ओ भाई मैं अभी कहाँ पर जा रहा हूँ उस जगह पे तो हमारा पूरा का पूरा काम फिनिश हो चुका है। ओके ये वाला बाकी है ना चलो तो इसको क्रो बार से पहले तो ओपन कर दिया एंड लास्ट एंड फाइनल आइटम जो कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड लैब्रिंथ दोनों की मिलाकर ये लास्ट आइटम है। हालांकि पार्क और सर्कस में तो अभी बहुत सारा काम बाकी है। ओ भाई बट जो फोर आई वाला जो स्किन है ना वो मुझे लगता है कि इसके मुकाबले ज़्यादा। ओ भाई 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 चलो बातें पहले कम करते हैं ओके क्या पता वहीं पे ही फ्रीज हो जाए। जो फोर आई वाली जो स्किन रहती है ना वो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बढ़िया है। ये वाला स्किन मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वो फोर आई वाली स्किन उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि ये है। ये इसलिए कि पेनी वाइज इट जो मूवी है ना इसके वजह से ये वाली स्किन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो भी जिसको भी पता हो कि पता हो उसकी बात है, अगर नहीं पता तो काले अक्सर भैंस बराबर जैसी बात है। ओके ओके सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ठीक है। और जल्दी मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसी की पार्ट टू ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि पार्ट टू में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ सो स्टे ट्यून बाय ठीक है टाटा बाय बाय इस यार।